अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने नए दो चैनल शुरू किए हैं जिसमें 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है और की टू सक्सेस है। दोस्तों, इनके ऊपर जो है मेरे अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ऑलमोस्ट 15 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट हैं, तो मैंने उनके लेक्चर रिकॉर्ड करके रखे हैं। तो आप उस चैनल को ज़रूर विज़िट करें और की टू सक्सेस के ऊपर आपकी इम्तिहान की तैयारी के हवाले से मैंने काफ़ी अच्छा मटेरियल रखा है। आप बहुत कम वक्त के अंदर जो है बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और इंशाल्लाह 20 जून के बाद जो है वो मटेरियल मैं अपलोड वहाँ पे कर दूंगा। काफ़ी सारा मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप उन चैनल्स को ज़रूर विज़िट करें, ना सिर्फ विज़िट करें बल्कि सब्सक्राइब भी करें। और जैसे आपने मुझे वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में सपोर्ट किया है, वहाँ पे भी आप की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो हमारी असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है उस हवाले से है। तो दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले तो जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, इस असाइनमेंट के अंदर जो है हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिएट अ फोल्डर नेम्ड यूजिंग एज योर स्टूडेंट आईडी BC 1 2 3 4 5 6 7। हमने जो है एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और स्टूडेंट आईडी के साथ बाय यूजिंग CLI इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर। गो टू योर स्टूडेंट आईडी डायरेक्टरी थ्रू कमांड, आपने फिर अपनी स्टूडेंट डायरेक्टरी के अंदर जाना है एंड एग्जीक्यूट द पिंग कमांड, और फिर एग्जीक्यूट करनी है पिंग कमांड फॉर द एड्रेस ie www.worldmeter.info। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ट्रेस रूट रिक्वेस्ट फॉर द आईपी एड्रेस, आपने फिर ट्रेस रूट की कमांड भी यूज़ करनी है आईपी एड्रेस लेने के लिए, और वो वेबसाइट वही आपकी सेम रहेगी वर्ल्ड मीटर वाली। इसमें कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ बोथ कमांड एंड शो दैम इन योर सोल्यूशन, हमने फिर इन दोनों कमांड्स की जो है वो स्क्रीन शॉट लेना है और उसे वर्ल्ड की फाइल के अंदर जो है वो पेस्ट करना है, और फिर वो फाइल जो है हम लोगों ने सबमिट करवानी है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है, बोथ पिंग एंड ट्रेस रूट कमांड मस्ट बी क्लियरली विजिबल इन द स्क्रीन शॉट, और ये आपकी दोनों कमांड वहाँ पे बिल्कुल विजिबल होनी चाहिए। यू शुड क्रिएट द डायरेक्टरी विद योर ओन स्टूडेंट आई डी, हमने जो डायरेक्टरी है वो अपने स्टूडेंट आई डी से ही क्रिएट करनी है। इफ द नेम ऑफ द डायरेक्टरी शोन इन द स्क्रीन शॉट डजंट मैच विद योर स्टूडेंट आई डी, दिस असाइनमेंट विल बी कंसिडर्ड एज कॉपीड एंड अवॉर्डेड 0 मार्क्स। अगर आपकी डायरेक्टरी जो है वो आपके आईडी के साथ मैच नहीं करेगी तो फिर वो आपकी जो असाइनमेंट है वो कॉपीड कंसिडर की जाएगी और आपको 0 मिलेगा। यू शुड मेक अ डायरेक्टिव विद योर ओन स्टूडेंट आईडी इफ स्क्रीन शॉट डजंट मैच, ये भी वही बात लिखी हुई है कि आपकी स्टूडेंट आईडी अगर मैच नहीं करती तो फिर आपको जो है वो 0 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ मच टाइम इफ रिक्वायर्ड बाय अ मशीन टू ट्रांसफर अ फाइल ऑफ 17.31 MB अक्रॉस द नेटवर्क विद अ 512 KB/s लिंक, अगर आपका जो लिंक है वो 512 KB/s का है तो आपको कितना टाइम लगेगा 17.31 MB की फाइल को ट्रांसफर करने में। यू हैव टू शो द फॉर्मूला कैलकुलेशन स्टेप, आपने सारे कैलकुलेशन के स्टेप इसमें जो है वो शो करने हैं। तो दोस्तों, ये हैं हमारी इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स। बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो दोस्तों, सॉल्यूशन में जो है ये वही क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आ रहा है। सॉल्यूशन आपको जो है यहाँ पर मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हैं और उसके बाद जो है हम लोग अपना जो है काम करेंगे, लाइव में आपको करके दिखाऊंगा। इसमें हमने स्टार्ट बटन पे जाना है, रन लिखना है और CMD हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। वहां पे जो है हम लोगों के सामने कुछ ऐसे होगा, हमने CD:// लगा के वापस आना है और डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम कमांड लिखेंगे MKDIR और आगे अपना आईडी लिखेंगे, जैसे मैंने MCXXF डाल दिया, फिर CD
MCXX डालेंगे तो हम अपने पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने MF1504085 7 एक डमी एंट्री के साथ जो है यहाँ पे मैं आ जाऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है अपनी पिंग की कमांड लगाएंगे और फिर ट्रेस रूट के लिए ट्रेस RT की कमांड जो है वो यूज करेंगे। तो इसको करने के लिए लाइव हम चलते हैं और मैं आपको जो है ये लाइव जो है करके भी दिखाता हूँ। हम स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद हम जो है रन पे क्लिक करेंगे, या आप विंडो प्लस R करोगे तो आपके सामने जो है वो विंडो की ओपन हो जाएगी। और इसके अंदर दोस्तों आप लोगों ने जो है वो CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट लिखना है और ओके कर देना है। तो जब आप ओके करेंगे तो आपके सामने जो है एक ऐसे ब्लैक स्क्रीन जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों ने CD जैसे हमने देखा था डबल डॉट लगाएंगे, एंटर करेंगे तो हम इस राइट वाले पोर्शन से बाहर आ जाएंगे। इसी तरह हम CD डबल डॉट फिर लगाएंगे तो हम इससे भी बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक डायरेक्टरी के अंदर जाना है, बल्कि मैं सी के अंदर ही एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। हम यहाँ पे जो है एम के और डायर लिखेंगे। एम के डायर का मतलब जो है वो है मेक डायरेक्टरी, कि आप एक डायरेक्टरी बनाएं। अब यहाँ पे आगे जो है वो आपने अपना ID लिखना है, क्योंकि ये आपके टीचर की रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपना ID नहीं लिखेंगे तो फिर आपको जो है वो 0 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एज अ डमी ही एक ID ले लेता हूँ, जैसे उसने लिया हुआ है BC 1 2 3 4 5 6 7। तो ये समझ लें कि मेरा एक ID है और ये लिखने के बाद जो है मैंने एंटर किया। तो एंटर करने के बाद जो है आपकी ये डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अब आपने इस डायरेक्टरी के अंदर जाना कैसे है, वही आप CD लिखेंगे। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, और फिर वो आप अपनी डायरेक्टरी जो आपने क्रिएट की है उसका नाम लिखेंगे BC 1 2 3 4 5 6 7 और एंटर करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे आप अपनी उस डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो है आप लोगों ने वो जो दो कमांड्स हैं, एक तो आपका IP गेट करने के लिए और दूसरा पिंग चेक करने के लिए, तो आपने वो करनी है। अब उससे पहले आप लोगों ने इतने एरिया का जो है वो स्क्रीनशॉट बना लेना है। स्क्रीनशॉट बनाने के लिए आपके पास डिफरेंट टूल अवेलेबल हैं। आप जो है प्रिंट स्क्रीन के जरिए भी बना सकते हो। आपके पास स्निपिंग टूल है। स्निपिंग टूल का मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप विंडो 7 या विंडो 10 या इससे ऑलमोस्ट 8 यूज कर रहे हैं तो आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और स्निपिंग लिखेंगे, SN प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये स्निपिंग टूल आ गया। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो जो है अपीयर हो जाएगी। आपने करना क्या है, आपने जो है यहाँ पे न्यू के बटन पे क्लिक करना है। जब न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे देखें इसको ऐसे जब करेंगे तो ये आपका एक इमेज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखें ये सिर्फ इतना जो है आपका बन गया। अब आपने इसको फाइल पे जाना है और सेव एज करना है, और सेव एज करके डेस्कटॉप पे इसको जो है मैं नाम 1 रख देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो आपका एक डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो इमेज सेव हो जाएगा और फिर आपने उसको वर्ड की फाइल के अंदर जो है वो इंक्लूड कर लेना है। वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया, वर्ड लिखा, वर्ड की फाइल जो है हमारे सामने जो है वो ओपन हो गई। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया और यहाँ पे जो है मैं इनसाइट पे जाता हूँ और पिक्चर पे और दिस डिवाइस पे और यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने पिक्चर सिलेक्ट की और इनसाइट की, तो ये पिक्चर जो है मेरे सामने आ गई। इस तरीके से आपने सारे इमेजेस लगाने हैं। हम वापस आते हैं जी अपनी असाइनमेंट के ऊपर। मैं इसे सेव नहीं करता वर्ड की फाइल को, और इस पे हम अब सबसे पहले जो है वो पिंग की कमांड लिखेंगे। पिंग लिखने के बाद जो है आपने www.worldmeter और डॉट आपने फिर INFO। दोस्तों अगर आपको इसका जूम जो है वो मतलब फॉन्ट साइज जो है अगर छोटा लग रहा है तो आप इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ से मैं इसका जो साइज है फॉन्ट पे जाएं और यहाँ पे साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियर जो है वो लिखा हुआ नजर आए। तो ये करने के बाद अब देखें कुछ विजिबिलिटी हुई है। ये लिखने के बाद आप करेंगे पिंग, लिखने के बाद पिंग www.worldmeter.com
डॉट इन्फो एंटर करेंगे तो आपके सामने ये पिंग की जो कमांड है वो चल पड़ेगी। और ये जब कंप्लीट हो जाए और ऐसे आपके पास पिंग स्टैटिस्टिक्स आ जाएं, पैकेट सेंट और सारी चीज़ें, तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट बना लेना है, इसको भी आपने अपनी उसी वर्ड वाली फाइल के अंदर, फ्यूशन वाली फाइल के अंदर लगाना है। इसके बाद दूसरा, हमने आईपी गेट करने के लिए ट्रेस रूट की कमांड यूज़ करनी है, तो वो आप लिखेंगे ट्रेस, ट्रेस लिखने के बाद आरटी लिखेंगे और फिर वही वेबसाइट www और डॉट वर्ल्ड मीटर डॉट आई एन एफ ओ इन्फो, ये लिखने के बाद आपने फिर एंटर करना है। फिर जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक प्रोसेस स्टार्ट होगा और आपने वेट करना है इस प्रोसेस के कंप्लीट होने का। जब आपके पास ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास जो है जो आईपी है वो आ जाएंगे। तो आपने इस आईपी जो आपके पास आ रहे हैं इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है और इसको अपनी वो सॉल्यूशन वाली वर्ड वाली फाइल के अंदर जो है वो लगाना है। अभी जो है इसका जो है प्रोसेस वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे आपको मैसेज लिखा हुआ आए कि ट्रेस कंप्लीटेड, तो आपने फिर जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि जिसके अंदर हमने एक डायरेक्टरी बनानी थी, डायरेक्टरी बनाने के बाद फिर हमने पिंग करना था और फिर ट्रेस रूट की कमांड यूज करनी थी। तो हम चलते हैं वापस स्लाइड के ऊपर और यहाँ पे इसके बाद हमारा था क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू का सोल्यूशन जो है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। दोस्तों इसके अंदर हमें बताया गया था कि हमने टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है पाइल साइज एंड ट्रांसफर रेट। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया कि हमारे पास 17.31 MB की एक फाइल है जो कि हमने ट्रांसफर करनी है और हमारा जो ट्रांसफर रेट है वो 512 KB पर सेकेंड है। तो दोस्तों इसके अंदर जो है हमें दो डिफरेंट क्वांटिटीज दी गई हैं, एक MBs के अंदर और दूसरी KBs के अंदर। तो हमने सबसे पहले इन दोनों को एक ही डेटा टाइप के अंदर या एक ही यूनिट कैपेसिटी के अंदर जो है कन्वर्ट करना है और फिर ही हम लोग जो है अपना ये टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले यूनिट्स का पता हो। यूनिट्स में हमारा जो सबसे छोटा यूनिट है वो बिट का है और जब 8 बिट हमारे पास मिल जाते हैं तो 1 बाइट बन जाता है और जब हमारे पास 1024 बाइट मिलते हैं तो वो 1 KB बन जाता है और इसी तरह जब 1024 KB मिलते हैं तो वो 1 MB यानी MB बन जाता है। अब इसमें देखें, हमें एक जो वैल्यू दी गई है 17.31 वो MB में दी गई है मेगाबाइट के अंदर और जो दूसरी वैल्यू दी गई है वो हमें दी गई है किलोबाइट मतलब 512 KB पर सेकंड। तो हम लोग सबसे पहले 17.31 को जो है वो अपने सबसे जो छोटे है हमारे पास यूनिट वो बिट्स हैं तो हम बिट्स में कन्वर्ट करेंगे। उसको कन्वर्ट करने के लिए 17.31 मल्टीप्लाई बाय 1024 तो हमारे पास ये जवाब 17725.44 KB में आ जाएगा। इसी तरह हमने इसको दोबारा बिट्स के अंदर, बाइट्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो है वही जो जवाब आया है KB वाला, किलोबाइट वाला, वो आपने 17725.44 और मल्टीप्लाई बाय 1024 और इनटू ये आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो 1850850 और 0.56 byte आ जाएगा। इसी तरह आपने फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए तो वो 1815085.56 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये आपके पास 1452060804 और 0.48 ये आपका बिट्स के अंदर आ गया। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास जो है वो हमारी 512 KB पर सेकंड दिया गया, उसको कन्वर्ट करने के लिए बिट्स में हम क्या करेंगे, उसको ज़रब देंगे 1024 से तो 524288 bytes आ गया। इसी तरह अगर आपने इसको कन्वर्ट करना बिट्स में तो उसको 8 से ज़रब दोगे तो आपके पास 4194304 bytes आ जाएगा। आप देखें दोनों वैल्यू आपके पास बिट्स में आ गई हैं तो आपने क्या करना है, फाइल साइज जो है इधर हमारे पास 1452060408 आ गया और उसको हमने तकसीम किया 419430 के साथ 4 के साथ तो हमारे पास जो जवाब है वो 34.62 जो है वो आ गया। ये हमारा जो है ट्रांसफर रेट है। इसको आप दोस्तों
जो है चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन कैलकुलेटर की मदद से। तो वो आप लोग गूगल पे जाइए और वहां पे लिखिए कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है, तो इंशाल्लाह आपका जो जवाब है वो इससे मिलता जुलता आएगा। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और मैंने ये क्रोम ब्राउजर जो है वो मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैंने लिखा ऑनलाइन कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर ट्रांसफर रेट, और यहाँ से कैलकुलेटर टूल पे क्लिक किया तो मेरे सामने जो है ये एक कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखें अमाउंट ऑफ डेटा वो हमारे पास 17.31 MB है और नीचे ट्रांसफर रेट जो है वो 512 KB पर सेकेंड है। तो हम यहाँ से मैं KB पर सेकेंड जो है वो सेलेक्ट किया, तो यहाँ से देखें आपका मिनट्स के अंदर ये कैलकुलेट होके आ रहा है, तो इसको हम सेकेंड्स के अंदर करते हैं, तो ये देखें 264.130 आ गया। तो हम ये अभी आपका आई थिंक गलत आ रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर लो। कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अब पर सेकंड पे हमने कैलकुलेट करना है, तो ये पर सेकंड आ गया। इसी तरह अगर आपने बाकी के कैलकुलेट करने हैं तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 17.31 MB की हमारी फाइल थी, वो हमने 17.31 MB लिखा, 512 KB पर सेकंड के हिसाब से जो है आपके पास ये नीचे वाला KB है, KB पर सेकंड जो है वो आपका रेट था। तो यहाँ से मैं सेकंड कैलकुलेट करता हूँ और कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास 33.0162 आ गया, और ये हमारा जो जवाब है वो ऑलमोस्ट 34.62 है। ये इसलिए कि इसमें जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उनकी वजह से ये है, ये थोड़ा सा चेंज है कि वो आपका 33 है और ये आपका 34 है, तो ऑलमोस्ट मिलता जुलता जवाब है। तो ये है दोस्तों आपकी असाइनमेंट CF610 कंप्यूटर नेटवर्क्स की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा। दोस्तों आखिर में मैं फिर आप लोगों को कहूंगा कि आप www.youtube.com/teachersonline पे जाइए और वहां पे जो मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनसे भी फायदा उठाएं और की टू सक्सेस के ऊपर भी जाएं, तो वहां से आप इम्तिहान की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सॉल्यूशन के साथ या GDB सॉल्यूशन के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।